गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। सारे वातावरण को प्रभावित करने की क्षमता होती है गायत्री मंत्र में। योग वशिष्ठ में मंत्र शक्ति पर प्रकाश डालते हुए लिखा गया है कि हे राम, जिस प्रकार हर खाने से पाचन संस्थान में तीव्र गति होती है और पेट साफ हो जाता है, उसी प्रकार दृढ़ और समर्थ भावना से मंत्रों के अक्षर शरीरों को तीव्र गति से प्रभावित करते हैं। मंत्रों में सन्निहित ये शक्ति वस्तुतः शब्द की पराशक्ति का ही चमत्कार है। इसमें अतिशयोक्ति की कोई बात नहीं है कि मंत्र का प्रत्यक्ष रूप ध्वनि है। ध्वनि भी क्रमबद्ध, लयबद्ध, तालबद्ध और वृत्ताकार एक क्रम से निरंतर एक ही शब्द विन्यास का हो तो उसका एक गति चक्र बन जाता है। रस्सी में पत्थर का टुकड़ा बांधकर उसे तेजी से चारों ओर घुमाया जाए तो उसके दो परिणाम होंगे। एक ये कि वो गोल घेरा जैसा दिखेगा। रस्सी और ढेले का ये स्थानीय स्वरूप बदलकर गतिशील चक्र के रूप में बदल जाएगा। ये दृश्य चमत्कार है। दूसरा परिणाम ये होगा कि उस वृत्ताकार घुमाव से एक असाधारण शक्ति उत्पन्न होगी। इस तेज घूमते हुए पत्थर के छोटे टुकड़े से किसी पर प्रहार किया जाए तो उसकी जान भी ले सकता है। यदि इसी तरह उसे फेंक दिया जाए तो तीर की तरह सनसनाता हुआ बहुत दूर तक निकल जाएगा। मंत्र जब से यही होता है, कुछ शब्दों को एक रस, एक स्वर, एक लय के अनुसार बार बार जब हम दोहराते रहते हैं तो उससे उत्पन्न हुई ध्वनि तरंगें सीधी या साधारण नहीं रह जाती हैं। उनका एक वृत्ताकार घुमाया जाना अंतरंग पिंड में यानी उसके अंदर तथा बाहर ब्रह्मांड में एक असाधारण शक्ति प्रवाह उत्पन्न करता है। उसके फलस्वरूप उत्पन्न हुए परिणामों को मंत्र का चमत्कार कहा जाता है। रामायण में तुलसीदास जी ने मंत्र परम लघु जासुवस विधि हरिहर सुर सर्व बताया है। इन बातों के पीछे नितांत विज्ञान सम्मत प्रक्रिया काम करती है, केवल मात्र कल्पना या विश्वास नहीं। सुप्रसिद्ध विद्वान श्री गोविंद शास्त्री ने एक शोध लेख में एक ऐसे मंत्रज्ञ का विवरण दिया है जो कांसे की थाली में हाथ रखवाकर मंत्र बोलता था। धीरे धीरे थाली में भरा पानी पीला पड़ता जाता था और रोगी रोग मुक्त हो जाता था। गांव में आज भी सर्प और बिच्छू के इलाज मंत्र शक्ति से होते हैं और वो आधुनिक चिकित्सा से कहीं अधिक कारगर सिद्ध होते हैं। शब्द या ध्वनि की शक्ति को एक दूसरे प्रकार से भी समझा जा सकता है। किसी बच्चे ने कभी शेर ना देखा हो, ना ही उसकी प्रकृति से वो परिचित हो, तो भी उसे कहीं शेर की दहाड़ सुनाई पड़ जाए तो वो कांप उठेगा, डर जाएगा। इसी तरह कोयल की कूक सुनते ही लोग मुस्कुराने लगते हैं। ये तो शब्द का अंतरंग यानी अंदर से पड़ने वाला अत्यंत सूक्ष्म प्रभाव मात्र है, पर जिस तरह दही को निरंतर घुमाया जाए तो उसमें से मक्खन निकलना संभव हो जाता है, उसी प्रकार यदि कर्णातीत ध्वनि यानी जो हम कानों से सुन नहीं सकते, उन ध्वनियों को तीव्र भाव वेग के साथ यानी भावनाओं के साथ यदि गुंजित किया जाए तो वो शरीर के चक्रों, ग्रंथियों, गुच्छकों और उपत्तिकाओं से एक ऐसी संवहन शक्ति पैदा करती हैं जो किसी रोगी को अच्छा कर सकती हैं, किसी को अपने मनों के अनुकूल बना सकती हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन आदि प्रयोग भी उस शक्ति से किए जा सकते हैं। कृत्या और घात उसी शक्ति का तांत्रिक भाग है। गायत्री मंत्र जैसे परम कल्याणकारी मंत्र में उस तरह की बातों की उपेक्षा की गई है, किंतु दूसरी तरह से वाममार्गी उनका खुलकर उपयोग करते हैं, भले ही उन्हें उनके लिए अनिष्ट क्यों ना भुगतने पड़े। गायत्री मंत्र की शब्द रचना की विलक्षणता ही उसके सर्वोपरि होने का आधार है। उसमें शब्दों को जिस तरह से एक के बाद एक चुनकर लगाया गया है,
इसी अनुसंधान पर राजर्षि विश्वामित्र को अविलंब ब्रह्मर्षि पद पर पदोन्नत किया गया। समझने वाली बात है कि राजर्षि की सामर्थ्य की तुलना राजाओं महाराजाओं से की जाती है, तो ब्रह्मर्षि की सामर्थ्य की तुलना ब्रह्म से की जाती है, जिसका अर्थ ये होता है कि वो सृष्टि के स्वामी, संचालक और नियंत्रक की क्षमताओं से ओतप्रोत होता है। मंत्र में इतनी शक्ति हो सकती है या आश्चर्य का विषय हो सकता है, लेकिन अयथार्थ का नहीं, झूठा नहीं। भारतीय मंत्र विद्या में शब्दों की जिस संवहन शक्ति का उपयोग किया जाता है, उसका एक छोटा सा रूप अल्ट्रासाउंड के रूप में भौतिक शास्त्रों ने भी जान लिया है और उसके विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय उपयोग भी होने लगे हैं। इसे चिकित्सा जगत में क्रांति की संज्ञा दी गई है। ध्वनि का ये क्षेत्र तो बहुत छोटा सा है, जो हमारे कानों की पकड़ में नहीं आता और जिसे हम सुन नहीं सकते। जिन ध्वनियों के कंपन प्रति सेकंड 20 से लेकर 20,000 तक होते हैं, उन्हें ही मनुष्य के कान सुन सकते हैं। किंतु ध्वनि के कंपन तो बहुत अधिक कम और बहुत अधिक सामर्थ्य के भी होते हैं, उन्हें अनसुनी ध्वनियां कहा जाता है। अनसुनी ध्वनियों की सामर्थ्य कम नहीं होती, वरन सच तो यह है कि जो अनसुनी ध्वनियां हैं वो और अधिक सामर्थ्यवान होती हैं। मंत्रों में भी ध्वनि शक्ति का ही स्वरूप काम करता है, जिसके उपयोग की विधि हमारे महर्षियों ने अपने ढंग से खोजी थी। मंत्र शक्ति की इतनी महत्ता होते हुए भी सभी लोग उसके द्वारा वो सामर्थ्य नहीं जुटा पाते, ये प्रश्न अक्सर उठा करता है और मंत्र शक्ति में संदेह का कारण बना रहता है। उसका कारण और कुछ नहीं है, हमारे अंतःकरण का गहरा और उथला होना होता है। मंत्र में सन्निहित भावनाओं को प्रखर बनाने के लिए जिस परिष्कृत और समर्थ व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है, वो ना जुट पाने से मंत्र अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते, उससे विशेष कुछ लाभ नहीं मिल पाता। व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का कार्य वाणी की सत्यनिष्ठा, सरलता और मधुरता से प्रारंभ होता है और जीवन की प्रत्येक क्रियाकलाप में ये छा जाता है। जिस तरह से मैले शीशे पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा पाती, गंदे शीशे में हम अपना चित्र, हम अपना चेहरा नहीं देख सकते, उसी तरह से यदि व्यक्ति की जीवन में दोष हैं, दुर्गुण हैं, तो सबसे पहले उनको ढूंढ निकालने और उस स्थान पर सद्गुणों की प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, तभी मंत्र शक्ति काम कर पाती है। और उस स्थिति में मंत्र जप का प्रभाव सही देखने को मिलता है। पर यदि आहार विहार, रहन सहन, वाणी व्यवहार द्वारा अंतःकरण को मल विक्षेप से लादते हम रहें, तो कितना भी अच्छा और अधिक मंत्र जाप क्यों ना कर लें, परिणाम प्रस्तुत नहीं हो सकते। आज के लिए इतना ही।